राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वभाव और व्यवस्था। अनीता स्वभाव से ही बड़ी साफ सुथरी लड़की थी। अपनी आदतों में, अपने पहनावे में हमेशा से वो व्यवस्थित थी। उसके बाल सदा अच्छी तरह दो चोटियों में संवरे होते, जिन पर उसकी पोशाक से मेल खाते रिबन होते, जो दोनों चोटियों में सुंदर रूप से बंधे होते। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, जो कि धुले हुए तथा इस्त्री किए हुए होते। वो जो भी जूते या चप्पल पहनती, वे सफेद अथवा भूरे रंग की पॉलिश किए हुए होते। वो केवल 12 साल की थी और देखने वाले हैरान रहते थे कि इस छोटी सी अवस्था में वो किस तरह इतनी सुव्यवस्थित है। जो बस्ता वो स्कूल लेकर जाती वो भी देखने लायक होता। उसकी किताबें बहुत साफ ढंग से जमी रहती, उसकी कॉपियां भी एक के ऊपर एक रखी रहती, उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर थी और वो हमेशा हाशिया खींचने का ध्यान रखती। बाएं हाथ के ऊपर के कोने में वो हमेशा दिनांक लिखती और हर अभ्यास के बाद एक रेखा अवश्य खींचती, क्योंकि उसकी शिक्षिका ने उसे उसकी आवश्यकता समझाई थी। अनीता घर में चीजों को सहेज कर रखने में अपनी माँ की मदद करती, इसलिए उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था। अनीता अपने सहपाठी विजय से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि विजय बहुत बुद्धिमान था। वे दोनों एक दूसरे को कहानियों, कविताओं की किताबें देते और विभिन्न घटनाओं के विषय में बातें करते। परंतु विजय अलग स्वभाव का था। उसका अव्यवस्थित ढंग और लापरवाह स्वभाव अनीता के लिए प्रायः चिंता का कारण होता था। विजय अपने कपड़ों की जरा भी परवाह नहीं करता था। उसकी कमीज के बटन अक्सर गायब रहते, पैंट पर कभी इस्त्री ना होती और उसके जूते भी बहुत साफ नहीं होते थे। उसके बाल बिखर कर सदा माथे पर लटकते रहते थे। वो साफ सुथरा रह सकता था और चीजों को संभाल कर व्यवस्थित रूप से रखना भी वो जानता था। ये बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि जब भी अध्यापक उसके साथ सख्ती का व्यवहार करते तो उसकी आदतों में थोड़ा सुधार आ जाता, लेकिन जल्दी ही वो पुरानी आदतों का शिकार हो जाता और फिर से लापरवाह हो जाता। अनीता विजय से हमेशा कहती थी कि जब हमारे चारों ओर एक व्यवस्था होती है तब हमें अपूर्व संतोष मिलता है। अध्यापिका ने विजय को व्यवस्था की आवश्यकता को समझाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने उसे कक्षा की व्यवस्था का भार सौंप दिया। उसने आपत्ति की कि वो इस तरह के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु अध्यापिका ने जोर दिया और अनीता के आग्रह पर वो मान गया। इसका अर्थ था कि उसे कक्षा की हर वस्तु के प्रति सचेत होना था। अब उसे 10 मिनट पहले आना पड़ता और देखना पड़ता कि टेबल कुर्सियां ठीक से रखी हैं कि नहीं। यदि नहीं तो उन्हें ठीक करना पड़ता। उसे ये भी देखना होता
के खिड़कियों में चिटकनियां लगी हैं और वे गंदी तथा अधखुली तो नहीं हैं। उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता कि कक्षा का टाइम टेबल तथा अन्य चित्र दीवारों पर सीधे लगे हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि कई स्कूलों में दीवारों पर चित्र लगे होते हैं, परंतु उनमें से कुछ साधारणतया 45 डिग्री पर झुके होते हैं। सब लोग उन्हें देखते हुए निकल जाते हैं और कोई भी उन चित्रों के भाग्य पर दया नहीं दिखाता। विजय को अपने सहपाठियों की पोशाकों और जूतों का भी निरीक्षण करना होता जब वे कक्षा में आते। वो अपने से कमजोर लड़कों पर तो रौब जमाता, परंतु कक्षा के बड़े लड़के उसे दूर रखते। वे उसे चिढ़ाते, परंतु वे सब उसके साथ सहयोग भी करते। सारी कक्षा अब साफ सुथरी दिखने लगी। अधिक महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसे ही सारी कक्षा के सामने सफाई का उदाहरण पेश करना था और ये देखने की आवश्यकता थी कि उसके अपने जूतों के फीते ठीक ढंग से बंधे हैं और उसके बालों में ठीक ढंग से कंघी हुई है। अनीता को विजय का ये बदला रूप बहुत अच्छा लगता और वो मन ही मन हर्षित होती। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व लेते हो तब तुम अधिक जागरूक रहते हो। इस कारण विचारों में और स्पष्टता आ जाती है और तुम्हारी उलझनें दूर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मस्तिष्क व्यवस्थित है और इस कारण वो बाहर की सब वस्तुओं को भी व्यवस्थित रखता है। आंतरिक व्यवस्था ही बाहरी व्यवस्था को जन्म देती है। अंदर की ये व्यवस्था स्वभाव की वस्तु नहीं, ये अवलोकन और सतर्कता से आती है और हम सब यदि चाहें तो व्यवस्थित हो सकते हैं। आदतें एक यांत्रिक वस्तु हैं जो प्रशिक्षण का परिणाम है, परंतु व्यवस्थित रहने की लालसा बहुत सुंदर वस्तु है जो व्यक्ति के अंतर्मन से आती है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? क्या तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो? अपनी किताबों और कॉपियों को सावधानी से रखते हो? अथवा तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो जिसे बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है? क्या तुमने ध्यान दिया है कि अपनी रोजाना की जिंदगी में तुम कितने व्यवस्थित हो? क्या तुम कुछ बातों को आजमाना चाहोगे, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने बालों में कंघी करना और साफ रहना, जूतों के फीते बांधना, जूतों और चप्पलों पर नियमित रूप से पॉलिश करना, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, खाने के पहले हाथ साफ करना, हमेशा समय का पाबंद रहना, कागज आदि फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना, सड़क उसी समय पार करना जब सिग्नल अनुमति दे, किसी पिकनिक या अन्य पार्टी के बाद जगह को साफ करना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को धन्यवाद देना, किसी टेबल अथवा कुर्सी पर धूल दिखने पर उसे साफ करना, सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतना, नौकरों से मृदु व्यवहार करना आदि। या फिर कुछ इन बातों की तरफ भी तुम ध्यान दे सकते हो। क्या तुम्हें जल्दी जल्दी खाने की आदत है? क्या तुम साधारणतया जोर से बोलते हो? दूसरे जब बोल रहे हो तब क्या तुम उनके बीच में बोलते हो? जब तुम्हें जल्दी होती है तो क्या तुम कतार तोड़ते हो? रास्ते चलते क्या तुम पौधों की पत्तियां तोड़ते हो? इस तरह की अन्य कई बातें हैं। तुम इस प्रकार की अपनी अन्य कुछ आदतों की सूची बना सकते हो और अपने दैनिक जीवन में उन पर ध्यान दे सकते हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।